सिंध में रोजाना 1 लाख डोज का हदफ मुकर्रर। वैक्सीन सेंटर्स ईद तातीलात पर खुले रहेंगे, बरामदी सनती यूनिट्स भी काम करते रहेंगे। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स इजलास में फैसला। सूबे में 3 से 9 मई मुस्बत केसेस की शरह 9.48% हुई। मुल्क भर में लॉकडाउन, खैबर पख्तूनख्वा में बस अड्डे बंद। ईद मनाने आबाई इलाकों को जाने वाले ख्वार, प्राइवेट गाड़ी मालिकान की चांदी, मुंह मांगे किराए की वसूली करने लगे। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मकीम शहरी भी परेशान, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने रेल पर इन्हसार। कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार, 100 शहरी अदालत पेश। गिरफ्तार शहरियों की तंबीह के बाद रिहाई। लाहौर में खिलाफ वर्जियों पर 166 मुकदमात, 100 के खिलाफ मास्क न पहनने पर कार्रवाई की गई। पंजाब में आज से रिलीफ पैकेज खत्म, सस्ते बाजारों में सस्ती चीनी के लिए तवील कतारें। ईद के करीब लाहौर में चिकन 415 रुपए किलो, निर्ख तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पिशावर में सब्जियों और फलों की कीमतें होशुबा। और मॉडल टाउन के चहरी लाहौर में बगावत केस की समाअत, MNA जावेद लतीफ का मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। समाअत पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात, गैर मुतलका अफराद का दाखिला ममनू।